हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय वाजवासिनी। देखिए, आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना कि कल कुछ बात पे मैं हर्ट हुई थी। तो हर्ट इस बात पे नहीं हुई थी कि लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, लोगों ने अपनी बात बोल दी। बात इस बात पे हर्ट हुई थी ना कि मुझे बहुत नीचे गिरा हुआ समझ लिया। लोग सोचते हैं विद्या देवी है क्या चीज़, एक औरत ही तो है। मैं औरत नहीं हूँ, मैं काली का वो रूप हूँ ना जो जब बच्चे के साथ प्यार करेगी तो माँ पार्वती का रूप लेगी, और जब गुस्से में आएगी तो माँ काली का रूप लेगी। बहुत हर्ट हुआ है इधर किसी की बातें सोच के। आज की दुनिया को ना ईमानदार लोग पसंद है, बेईमान लोग पसंद है, जो कुछ भी करे। मतलब आज की दुनिया में चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उनको ये पसंद है जो हमें धोखा दे रहे हैं। भले बाजू में बैठे दोस्त को गंदी नज़र से देख रहे हैं, भले घर में गंदगी कर रहे हैं, भले कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं बोलना है, फिर भी इंसान उसको अपनाता है, फिर भी उसके हाथ का खाना खाना अच्छा लगता है, फिर भी उसके साथ बैठना अच्छा लगता है। ये गंदगी है, ये गंदगी की वजह से ही बीमारी निकली। कोरोना क्यों निकला था, एड्स क्यों निकला है, इसीलिए निकला है। लेकिन वो जाने दो, मुझे बुरा क्या लगता है माने, ऐसा मुझे बहुत कम में हाँकते हैं। सोचते विद्या देवी है क्या चीज़। अरे विद्या देवी पैसों से नहीं मरी है, लेकिन एक बात से मर जाती है, धोखा। मतलब मुझे क्या बुरा लगता है वाले में, हम लोग इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिलो जान से करते हैं, लेकिन बाद में जब वो आदमी ये बोलता है ना कि क्यों किया, किसके लिए किया, सच्ची बात है, क्यों किया, किसके लिए किया, सच बोल रहे हैं। आज मैं अपने वकील से बात कर रही थी, मेरा वकील क्या बोला माने, मैं मैडम इंसान अपनी औकात तो दिखाएगा ना, आप किससे उम्मीद रख रहे हो, चरसुल्ले गद्दुल्ले से? उसकी औकात है, उसका काम निकल गया, उसका काम निकल गया, सब लोगों का काम निकल गया, आपने उन लोगों की मदद की, सड़ने देते 6-7 साल जेल में, क्यों निकलवाया आपने? अरे जो इंसान अपने परिवार का नहीं हुआ वो आपका क्या होएगा, सोचो। कितनी बड़ी बात बोल दिया उसने मुझे, बोले मैम जब तक आप एक बात बताओ, जब तक आपके पास पैसा है ना, सब आपके कदमों में है, पैसा नहीं तो कोई पूछता नहीं है। आज आप मुसीबत में हो तो सोच, लेकिन उनको नहीं पता कि आप मुसीबत में नहीं, आप खुद झांसी की रानी हो, आप लोगों को, आप 10 घर पाल सकते हो, उनकी क्या औकात है? क्या आपका केशव किसी के भरोसे है क्या? केशव आपका खुद ब खुद आप पाल सकते हो। ये बात सच है, ये बात उसने बहुत सच बोली। इन लोगों को कैसे लोग पसंद है मालूम है, इनको वैसी औरतें या वैसे आदमी पसंद है जो उनके आंखों के सामने उनको धोखा दे रहे हैं, दिन दहाड़े धोखा दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरे वकील ने बोला, मैम आया है पुलिस स्टेशन में लेटर, चलो आप। जब आदमी बोलता है ना, जब आदमी बार बार ये बात बोलता है ना, रहने देते मुझे 5-10 साल जेल में, रहने दो, लेकिन मुझे उस सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन बहुत हार्ड हुआ, गलती उसकी नहीं है, गलती हर उस इंसान की है जो इंसान को धोखा देता है, काम निकल जाने पे ऐसा सोचता है। ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं विद्या देवी हूँ, मैं हार मानने वाली औरत हूँ, मैं ये छोटे मोटे झटकों से दुख क्यों, आँख में आंसू क्यों आते मालूम है, कि किसी के लिए इतना किया, किसी को इतनी सी चिंता नहीं है। मतलब तुमको धोखेबाज लोग पसंद है, वो फालतू दोस्त लोग पसंद है जो तुम्हारी मारने पे लगे हुए हैं। पता है एक दोस्त था जिसने तुम्हारे को यूज़ करके, तुमको यूज़ करके तुमको तुम्हारी हालत ख़राब कर, तुमको मरने के लिए छोड़ दिया। तुमको वो औरत पसंद है, तुम लोग जैसे को, मतलब कोई भी हो एनीवन, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम नहीं आई, मैं ऐसा गाली नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, तुम्हारे बुरे वक्त में तुमको देखने भी नहीं आई, वो औरत पसंद है। तुमको वो दोस्त पसंद है जो तुम्हारे ही घर का, तुम्हारा ही पैसा लेके, तुम्हारे ही पैसों पे ऐश करके तुमको ही गुंडों के बीच में, 50 गुंडों के बीच में जाके छोड़ देता है, और तुम दोनों भाइयों को मार खिलवाता है, और ये बोलता है कि मेरे को तो खींच के लेके गए बिल्डिंग में। सोचो ये दुनिया है, और हम जैसे लोग जो हम पूरी दिलो जान, मेरे साथ मेरी पूरी पब्लिक ने पूरी दिलो जान लगा के सब कुछ किया, बाहर लाया, जो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल किया, तो हम बुरे हैं। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। मैं एक ही बात बोलूँगी, विद्या देवी को ना पैसों से सबसे मत हाँकना, और मेरे को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जब मैं अपने आप पे आऊँगी ना तो मैं लोगों को नंगा करके मारने का दम रखती हूँ, इतना बात ज़रूर है। मैं ऐसी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं दिल पे चोट खाई वही औरत नहीं हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। मैं, मेरे बाजू में पेड़ है, बोर का पेड़ है, बेर का, उसमें 5 साल कभी फल नहीं उगा था,
आप यकीन नहीं मानोगे। और अभी मेरा पेड़ पूरा फलों से भरा हुआ है, पेड़ मेरा पूरा फलों से भरा हुआ है। सोचो क्यों मालूम है? क्योंकि केशव आ रहा है। देखो 14 साल उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे बच्चा हो सकता है, लेकिन ये बच्चा आ रहा है। लेकिन आपको बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी, आज ये बच्चा आ भी रहा है ना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है बच्चा आ रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे इंसान का बच्चा आ रहा है जो इंसान को इंसान बोलने लायक नहीं है, उसको गंदगी खाने की आदत है, क्या बोल सकते, वो इंसान बोलने लायक नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को क्या बोलूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, बहुत हो गया अच्छापना, अब थोड़ा उतरते बुरे पे। अब विद्या देवी दिखाएगी अपना असली रूप। जब तुम्हें हमारी फिक्र नहीं तो हमें किसी की क्या फिक्र है? बड़ा शौक है 10 साल 5 साल कहाँ रहने का करने का। तो चलो आज हम आपके साथ, मुझे जितने लोग देखो मेरे आंखों में अगर किसी को दिखाई देंगे तो हल्के हल्के आंसू दिखाई देंगे, लेकिन ये आंसू इसलिए नहीं है कि किसी ने ये बात बोली, आंसू इसलिए है कि दिल पे चोट लगी है कि क्यों मदद किया यार, छोड़ देते हैं। जब घर वालों को परवाह नहीं है, खा रहा है कि नहीं, पी रहा है कि नहीं, मर रहा है कि नहीं, तो हमें क्या पड़ी है? बहुत बड़ी बात हो गई ना, मुझे कमज़ोर में हाँका गया है। तो चलो आज खेलते खेल, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए किया जाता है। मैं इसमें बहुत सारी औरतों के खिलाफ थी कि धोखा मत दो, मत दो, नहीं बिंदास धोखा दो, क्योंकि ऐसे आदमी लोगों की वैल्यू ही नहीं है। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता दूसरे की क्या करेगा बताओ? जो इंसान के प्यार के किसी की कदर नहीं कर सकता, वो इंसान इंसान ही नहीं है। उसको ऐसे दोस्त मंजूर है जो उसकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। हम तो लोगों को बुरे से बचा रहे हैं, हम तो लोगों को ये बचा रहे हैं कि आगे मुसीबत नहीं है, लेकिन हमें गलत समझा जाता है। तो मैं अब बहुत अच्छी बन चुकी, बहुत अच्छापन दिखा चुकी, अब आया है टाइम बुरे बनने का। तो आज हम क्या करेंगे पता है? ऐसे लोगों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, धूमावती मंत्र का जप करना। क्या करना है मालूम है? मेरी शायद ये बातें आप लोग तक भी है कि अच्छे मत बनो, इतने अच्छे मत बनो, क्योंकि दुनिया गंदी है। अगर आप सर झुका के चलोगे ना हर कोई लात मारेगा यार, लेकिन सर उठा के चलोगे ना तो हर कोई वो करेगा। सब लोग बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, किसी को कोई किसी की परवाह नहीं है, धोखेबाज लोग पसंद है। तो चलो कुछ एक विद्या देवी का नया रूप दिखाते हैं, मेरा केशव आ रहा है। तो ऐसा कुछ करते हैं आज कि आपको अगर आप लोगों को करना है, आप लोग मुझे मानते हैं, मेरे को मालूम है अभी मेरी वीडियो देख के मेरा पाकिस्तान वाला भाई तो बहुत भड़क जाएगा, और भी 2-3 लोग भड़क जाएंगे। ये इतना ही कहूँगी मैं कि पहला काम करना है 9 अगरबत्ती और 1 सिगरेट बा के सामने लगाना है, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली वा नरसिंह माता। ये जो लोग लोगों को धोखा देते हैं, इन लोगों को ऐसी सजा दो कि भीख मांगन रोटी ना मिले, अब हम थोड़े बुरे बनते हैं। फिर धूमावती मंत्र का जप करना है, ज़्यादा मत करिए, 10 माला मतलब 1000 10 माला मंत्र करके काली उड़द से, काली उड़द और अखा नमक डाल के दशांक हवन कर दीजिए, 108 बार हवन कर दीजिए। उसके बाद इनका मज़ा देखिए कैसे चारों खाने नाचते। इनको ऐसे लोगों को बड़ा शौक है जेल में जाके रोटी खाने का, तो हम रास्ता खोलते हैं जाओ, क्योंकि आज कोई कोई डायलॉग मारते हैं। आज की तारीख में ईमानदार लोग नहीं चाहिए, इनको बेईमान लोग चाहिए, करने दो। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे वकील ने तो मुझे बोला मैम आप चलिए मेरे साथ, नहीं मुझे नहीं जाना है, छोड़ दो। लेकिन बोले आज जाना तो आपको पड़ेगा, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखो करने के लिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करना क्या है? जब जिसको जूठन खाने में शर्म नहीं आई, जो घर में बैठ के जूठन खा सकता है, यूज़ की और कपड़ा नहीं पहन सकता लेकिन यूज़ की औरत के साथ रह सकता है, उसको क्या बोलना है? तो मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं किसी से भी। मैं इतना ही बोलूँगी कि कोई अगर इंसान आपको मानता है ना तो उसको बेवकूफ़ मत समझो, ये मानो कि आपको बहुत मानता है, लेकिन ये गलत फहमी है। लेकिन मैं उन औरतों को भी बोलूँगी कमज़ोर मत बनो, हम झांसी की रानी है, हमारे कदमों में लोग गिर सकते हैं, हम किसी के कदमों में, वो ये नहीं होगा। तो विद्या देवी बहुत अच्छी बन चुकी, अब विद्या देवी अपना नया चेहरा दिखाएगी, मज़ा देखो। शाम को यह हवन करो, बोलो कि जो मुझे प्यार करते हैं वो भी बोलना, अगर नहीं हवन कर सकते तो मैं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर करना मेरे लिए, सिगरेट अगरबत्ती लगाना और बोलना कि जो हो रहा है ना इन लोगों को ऐसा सबक दो ना कि ज़िंदगी में खड़े नहीं हो पाए।
इन लोगों को जो बोले वही सच हो। अगर बोले मतलब मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी, आप लोग क्या भी जो दुश्मनों को सबसे सबक सिखाने का सबसे नया तरीका है, ये करो, क्योंकि मैंने धूमावती मंत्र सिद्ध किया है। आज ये मंत्र का उपयोग करूँगी मैं, बहुत अच्छी बन चुकी मैं तो। सो थैंक यू। हर इंसान बुरा नहीं होता, कहते हैं एक हर एक अच्छा इंसान को बुरा बनाने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ पे भी हर एक इंसान को अच्छा बनाने वो लोग होते हैं। तो अभी ये विद्या देवी का नया चेहरा देखो, जाने दो, जो होएगा देखा जाएगा। जय माता दी।